गुड मॉर्निंग. तुमने उसे बने से बात करते हुए देखा? मैं जानती हूँ कि वो उससे कह रही होगी कि प्लीज भाई मेरे फोन का बिल भर देना. वो दोनों सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं. उन दोनों की जान ले लूंगी मैं. तुम देख लेना. तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? जीजा है उसका, इतना तो कर सकता है. इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर तुले तुम्हें पता है कि उसके पास पैसे नहीं है. उसके सारे बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं. वो हमारा लोन सेटल कर रहा है. एक बिल पे करने से कुछ नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ये लो, मैं कुछ इनवॉइसेस लाया हूँ, जरा इन पर साइन कर दो तो प्रोसेस इजी हो जाएगा. हाँ, ये तो मशीन्स का लीज कॉन्ट्रैक्ट है. अच्छा, आप हमारे ऑर्डर की डिलीवरी इस वीक में कर दोगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर दूंगी. हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम कर देंगे सच में. हाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे. बहुत बढ़िया. हेलो एवरीवन. हेलो अंकल. तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? चली जाओ यहाँ से. क्या सोच रही हो कि हमें इस वर्कशॉप के बारे में कैसे पता चला? अपने भाई का बदला लेने आया हूँ मैं यहाँ पर. क्या है ये? किस तरह की गुंडागर्दी है? कुछ नहीं मिस्टर सदरी, ये हमारे मोहल्ले के लफंगे हैं. हमारी इनसे कुछ बहस हो गई थी. डोंट वरी, मैं सॉर्ट कर लूंगी. सॉर्ट कर लूंगी? क्या बोल रही हो? तुम्हारे समझ में भी आ रहा है? हाँ, मेरे भाई ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है. इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं तुझे. मेरे छोटे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया. वो एक एक्सीडेंट था. उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है. तुम जानते हो. तो अब निकलो यहाँ से. गेट आउट. तुम्हें लगता है तुम गुंडों की तरह मेरी शॉप को लूट लोगे? चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी. बुला पुलिस को, मुझे डर नहीं लगता किसी से. बुला उन्हें, देखता हूँ कोई क्या बिगाड़ता है मेरा. किसी से डर नहीं लगता मुझे. पुलिस आए तो उनको हाय बोलना मेरी तरफ से. अरे तुम क्या पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो ये सब? ये तो मैं सिर्फ बात करने आया था. अब आगे वही कर जो मैं कहता हूँ. अगर तूने पैसे नहीं भरे ना, तो अगली बार मैं फिर से यहाँ आऊंगा. और अगली बार ना सिर्फ बात नहीं करूंगा. हे, ये क्या कह रहा था? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया. पागल वागल हो गए क्या तुम लोग? भागो यहाँ से. रुको रुको, तुम वहीं रुक जाओ. किस बात के पैसे देंगे हम तुम्हें? बताओ मुझे, क्या मतलब है? तेरे छोटे भाई ने मेरे भाई का खून बहाया है, बस उसके महीने भर की तनख्वाह चाहिए. अच्छा, तो तुम अपने पैसे लेने आए हो? अपने भाई की नहीं पड़ी कैसे तुम्हें? पैसे कौन से पैसे मांग रहे हो तुम? हम पहले ही कर्जे में हैं. ठीक है फिर, तो इसका अंजाम देखने के लिए तैयार है ना? भाई के खून के बदले मुझे पैसे चाहिए. 10,000. क्या? बहुत कम कीमत मांग रहा हूँ. हाँ, क्योंकि अगली बार जब आऊंगा ना, तो पैसे नहीं, अपने भाई के खून की कीमत तुम लोगों का खून बहा कर लूंगा. हमारे पास पैसे नहीं है. हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, समझ गए तुम? अच्छा ऐसा है, ठीक है, हम खुद पता कर लेंगे पैसा है या नहीं. जल्दी मिलेंगे. तुमने सुना उसने क्या कहा? अब क्या करेंगे हम? इतने सारे पैसे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? क्या कह रही हूँ, हम किसी को कोई पैसे नहीं देंगे. मिस्टर सत्री, आई एम सो सॉरी, वो कुछ लफंगे आ गए और मुझे ओके मिस फिलिस, मैं चलता हूँ. यू हैव अ नाइस डे. हम लोग बाद में मिलेंगे. आई एम रियली सॉरी. आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं बता रही हूँ ना, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, फिर आएंगे हमको तंग करने. एक काम कर सकते हैं कि जेमिन से कहकर हमारी गली में पुलिस पेट्रोलिंग कराए. पर ये बात बरिस को मत बताना, बेचारा वैसे ही इतना कुछ अकेला हैंडल कर रहा है. डोंट वरी. आह फीको, देखा उसकी वजह से क्या हो रहा है. फिलिस क्या हुआ, तुम ठीक हो? फिलिस क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, इसीलिए मैं कुछ खा लेती हूँ. हाँ.